हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आईटीन एक्सप्लेन्स। तो गाइज, एडवांस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगेन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो तो आपने इससे मिलता जुलता सवाल देखा होगा, बाकी आप खुद से ट्राई करें और टाइम लें, आराम से टाइम लें, इसके बाद ही आप आंसर करना, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है गाइज, तो फिर शुरू किया जाए। पेन और नोटबुक ले लिया सबने, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि X और Y एक्सेस में है, NaOH एक्सेस के साथ A बना है, फिर HBr एक्सेस के साथ B बना है, इसका रिएक्शन कराना है एक मैलोनिक एस्टर के साथ प्रोटीन के प्रेजेंस में, फिर HCl हीट के साथ D करना है। ग्रेट, अभी रुको, दो सीक्वेंस है। पहला, दूसरा सीक्वेंस है कि आपके पास यहां पर एक कंपाउंड दिख रहा है ना, एक हेलो अल्कोहल दिख रहा है, देन आफ्टर पीसीसी और डीसीएम के साथ फिर प्योर केओएच है, इससे आपको क्या करना है, टू इक्विवेलेंट ऑफ ई लेना है और यहां से जो डी बना उसको लेना है, एच प्लस कैटालिटिक में ये कंपाउंड बन रहा है। अब आपको बताना है कि एक्स और वाई जो यहां पर थे वो क्या थे। बड़ा ही टिपिकल सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा, लेकिन इसमें गाइस मैं आपको बता दूं जो दो तीन कंसेप्ट यूज किए गए हैं, ये जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के और आईआईटी रुड़की के सवाल को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सवाल है। चलिए हम देखते हैं क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा गाइस, एक काम करते हैं, क्यों ना थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर ले, इधर से चलते हैं बैक से। देखो, सबसे पहली चीज कि अगर आप इसको देखिएगा और अगर इसका रिएक्शन आप पीसीसी डीसीएम के साथ कराइएगा तो यहां जो सेकेंडरी अल्कोहल है, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर है पीसीसी। ठीक है गाइस, तो ये गाइस क्या करेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH2 और यहां से क्या लगा देगा, BR लगा देगा। ठीक है, सब कुछ सही है, BR पे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अब गाइस आपके पास है प्योर KOH। गाइस आपको याद आ रहा है आज से 2 साल पुराना एडवांस का सवाल जहां पे उन्होंने NaOH क्रिस्टल पूछा था, तो प्योर NaOH या प्योर KOH या KOH क्रिस्टल, NaOH क्रिस्टल का मतलब होता है ये 100% प्योर NaOH है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग बेस है, यहां पे पानी वानी या किसी भी तरह का सॉल्वेंट नहीं है, पूरी तरीके से KOH ही यूज करना, बोले तो बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो गाइज आपका OH माइनस जनरेट करेगा, ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, दिस इज वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अब गाइज समझे क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिएगा अब ये जो OH माइनस आपके पास है, ये OH माइनस, ये SN2 देगा क्या, आंसर है ये SN2 के लिए 1 डिग्री हैलाइड से भी ज्यादा तेज है। आप जरा दिमाग पे जोर डालिएगा, ये 1 डिग्री हैलाइड से भी ज्यादा तेज है। जब मैंने आपको SN2 बताया था, जिसपे मैंने आपको 3 से 4 घंटे का लेक्चर सिर्फ SN2 पे ही दिया है, आपको पता होगा OH माइनस बहुत तेजी के साथ SN2 देता है। इसका रीजन है इसको एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन मिलता है ना, जरूरत से ज्यादा मां बाप का प्यार मिलता है, ये इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, क्योंकि यहां पर भी हल्का सा डेल प्लस डेल माइनस है, यहां पर भी डेल प्लस डेल माइनस है, तो इस कार्बोनिल के एडजेसेंट पोजीशन में होने की वजह से इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन मिलता है, जिससे इसके साथ बड़ी इफेक्टिव कोलिजन हो पाती है। अब बोलोगे इस पर क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रांग बॉन्ड है और एक स्ट्रांग बॉन्ड को बिगाड़ना और sp3 टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट लाना किसी भी तरह से कोई अकलमंदी नहीं है, तो क्यों ना एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप अटैक करके हटा दिया जाए। तो SN2 रिएक्शन गाइस परफॉर्म हमने कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, BR माइनस लीव कर गया, ये इस पर अटैक करके BR को लीव करा दिया और गाइस CO और यहां से आपके पास OH आया। कितने मोल यूज करने थे, 2 मोल यूज करने थे और 2 मोल को आप बताइए, 2 मोल इसको यूज करना है और कैटलिटिक एच प्लस है, इसका मतलब है कि अल्कोहल है और कैटालिटिक एच प्लस है, इसका मतलब है एस्टरीफिकेशन कराया गया होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि एस्टरीफिकेशन है, जरा कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में आपको दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब एस्टर है। ठीक है, और इस तरफ के लिंकेज को देखो, इस तरफ के लिंकेज को पकड़ो, कैच करो, ये इस तरफ का लिंकेज देखो, ठीक है, और इस तरफ का लिंकेज देखो, आपको जरा सी फील आ रही है, CH3CO CH2OH, देखो CH3CO CH2OH, इसका मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दो इक्विवेलेंट यूज किया गया है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डी आया होगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा। हमने बैक कैलकुलेशन करके सोच लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा रहा होगा, मैं यहां पे अच्छे से बना देता हूं, ये कुछ ऐसा रहा होगा, यहां से इस तरफ लगा होगा सी डबल बॉन्ड ओ OH और यहां से भी लगा होगा सी डबल बॉन्ड ओ OH, तो आपको ये कंपाउंड बनता हुआ नजर आया होगा डी। अब आपको डी बनाना है, आप जरा दिमाग पे जोर डालें कि डी कैसे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां लिख देता हूं, फाइनली हमको ये बनाना है, इस सीक्वेंस में हमको
ये कंपाउंड बनाना है, यहां से लाना है C डबल बॉन्ड O OH और यहां से लाना है C डबल बॉन्ड O OH। अब ये गाइस कैसे आया, हम नीचे वाले सीक्वेंस को उल्टा करते हुए D तक पहुंच गए और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि D हमारे पास ये था। अब आइए जरा इसको ध्यान से देखिए और इस पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए HCl और हीट आपके पास है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक मेलोनेट एस्टर है और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब गाइस अगर हम इसको जरा सा ओपन करके देखें, जरा सा हम सोचते हैं ना, जस्ट इमेजिन कीजिए, मेरे साथ इमेजिन कीजिए, आपको एडवांस की थोड़ी सी फील आएगी। अगर गाइस हम इसको खोल देते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है स्वास्तिक के जैसा। अगर हम इसको खोल दें इधर से स्वास्तिक बन रहा है, इसका मतलब है ऐसा कोई रिएक्शन आपने देखा है क्या, कुछ इस तरीके का दिमाग पे जोर डाले। हाँ आपने देखा है, कहां देखा है, जी हाँ एल्डोल और कैनिजारो जहां पे पेंटाइड इथ्रिटॉल बनाते थे। चलिए गाइस हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके साथ और इसके साथ हम कर सकते हैं, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, पर हमको पता है कि एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। पहले हमने कंपाउंड लिया, थोड़ी सी फील आई, एक कार्बन यहां पे है और ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक कार्बन है, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन है और यहां पे मान लीजिए एक्स 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 कुछ भी लगा होगा, व्हाटएवर कोई चीज लगी होगी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन वाले कंपाउंड है, मतलब एक जो कंपाउंड है वो एक एक कार्बन वाला है और जो दूसरा कंपाउंड है गाइस वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो बीच में CH3 है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन वाला, कुछ ना कुछ कंडेंसेशन वाला, कुछ ना कुछ एडिशन वाला प्रोडक्ट है। चलिए हम दिमाग पे जोर डालते हुए इसी चीज को हम डील करते हैं। दूसरा हिंट कहां से है, NaOH और एक्सेस है। अब NaOH एक्सेस के प्रेजेंस में क्या हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हो सकता है। अब जरा सा टाइम लें, इसके साथ रिएक्शन आप कराएंगे तो कार्बन एक्सीड हो जाएगा, इसके साथ अगर आप कराएंगे तो कार्बन कम हो जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो काम कर सकता है, यहां बहुत ज्यादा ही कार्बन है, तो क्यों ना हम शुरुआत करें एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जस्ट चेक करते हैं बन गया तो अच्छा है, नहीं तो एडवांस के सवाल में टाइम आपके पास होता है। चलिए गाइस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। चलिए y हमारा फॉर्मल्डिहाइड था, ठीक है, और x हमारा एसिटल्डिहाइड था, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब हम एक हाइड्रोजन हटा लेंगे, ये NaOH एसिटल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन हटा लिया, इसके ऊपर अटैक किया और इसको खोल दिया। तो गाइस अब हमारे पास कैसा हो गया, देखिए यहां से हो गया C, देखिएगा ध्यान से, यहां से हो गया C डबल बॉन्ड OH हो गया, ठीक है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां से गाइस आपके पास क्या आ गया, यहां से आपके पास देखिए ये O के ऊपर माइनस चला गया तो CH2O- आएगा जो बाद में H ले लेगा CH2OH। देखिए तो हमने एक हाइड्रोजन हटा के CH2OH लगाया, अभी एक हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन और है, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, टू टाइम्स रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टू टाइम्स रिपीट करेंगे, दो बार इसको रिपीट करेंगे। तो गाइस क्या होगा, कार्बन के ऊपर लग जाएगा CH2OH, कार्बन के यहां पे है एल्डिहाइड, कार्बन के लेफ्ट में एक आ गया CH2OH, कार्बन के नीचे आ गया CH2OH। हमने क्या किया गाइस, ये जो एसिटल्डिहाइड था इसके तीन हाइड्रोजन को हमने हटाया, पहला हाइड्रोजन को हटा के CH2OH, दूसरे को CH2OH, तीसरे को CH2OH। ग्रेट, यहां तक हम आगे बहुत बढ़िया से आगे गाइस, ठीक है। अब देखिए NaOH एक्सेस में है गाइस, अब एक पॉसिबिलिटीज और है, क्या, कैनिजारो होने की। अभी हमने क्या कराया, एल्डोल कराया, हमने तीन बार एल्डोल कराया, प्रीवियस ईयर का सवाल है, तीन बार एल्डोल कराया, बात समझ में आ रही है, अरे अभी का भी लाइक करो, बहुत एफर्ट से वीडियो दे रहा हूं। यहां पर एल्डोल हुआ, तीन बार एल्डोल हुआ, अब क्या होगा, कैनिजारो, और कैनिजारो में आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, देखिए यहां से एक मोल H C डबल बॉन्ड OH है और NaOH के प्रेजेंस में क्या होने जा रहा है, कैनिजारो। तो कैनिजारो में क्या होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में, जो कि सोडियम फॉर्मेट बना के हट जाएगा, ठीक है, ये किसमें हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन Cl अल्कोहल में। तो गाइस यहां से क्या हो गया, CH2OH हो गया, यहां से क्या हो गया, CH2OH हो गया, यहां से क्या हो गया, CH2OH हो गया, यहां से क्या हो गया, CH2OH हो गया। कुछ आपको याद आया, ये कंपाउंड एडवांस में पूछा गया है और एक बार मेंस में पूछा गया है, दो बार एडवांस और एक बार मेंस में, तीन बार ये सवाल पूछा गया। इसको बोलते हैं पेंटाइरिथ्राइटॉल, इसको बोला जाता है पेंटाइरिथ्राइटॉल, ठीक है, बड़ा ही फेमस कंपाउंड है। अब गाइस अगर हम इसी को जरा सजा के लिख दें, अच्छे से लिख दें, तो आपको कुछ ऐसा स्वास्तिक बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, देखिए यही कंपाउंड है ना, स्वास्तिक बन गया ना, देखिएगा CH2OH, 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 बड़ा प्यारा सा कंपाउंड बन गया। ग्रेट, हम A तक आ गए, ये है हमारा A, दिस इज योर A, यहां तक हम आ गए। अब HBr, हमको तो यही शुरुआत में फील आई थी, हमको शुरुआत में अपना प्रोडक्ट देख के कुछ ऐसा ही तो फील आया था, इसी से को हमने अपने नॉलेज के साथ कंपेयर कर लिया, 11 12th में जो हम पढ़े थे और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस लगाए थे उसी के साथ हमने इसको जरा सा चेक कर लिया। अब देखिए
इसका रिएक्शन किसके साथ कराने के लिए दिया गया? HBr excess में। तो गाइस जब हम HBr excess में लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए ऐसा हो जाएगा, यहां से यहां से यहां से OH की जगह Br, यहां पर Br, यहां पे Br और यहां पे Br बन गया, Br Br लग गया। आपने क्या किया बेटा, चारों OH हटा के चार Br आपने लगा दिया। अब सुनिए यहां से, pyridine क्या है आपके पास, pyridine इज अ बेस, ठीक है, और ये कंपाउंड क्या है, देखिए ये है आपके पास, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O OCS3, C डबल बॉन्ड O OCS3। अब ये बेस जो pyridine आपका बेस है, pyridine क्या करेगा जी, यहां से हाइड्रोजन को खींच के कार्बेनाइन बनाएगा। कितने हाइड्रोजन खींचे जा सकते हैं, दो। तो देखिए मैं आपको एक दिखाता हूं, मैं आपको बस एक बार दिखाऊंगा, आप समझदार हो। COOCS3, COOCS3 है, तो पहली बार माइनस आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करके Br हटा देगा, ठीक है। दूसरा माइनस आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करके Br हटा देगा। इसी तरीके से गाइस आप क्या कीजिए, एक इधर भी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, देखिए C डबल बॉन्ड O OCS3, C डबल बॉन्ड O OCS3, यहां नेगेटिव लीजिए, इस पर अटैक करके हटा लीजिए, यहां नेगेटिव लीजिए, इस पर अटैक करके हटा लीजिए, तो कितने कार्बन हो गए, एक दो, यहां से देखिएगा, एक दो तीन और चार, देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और अटैक हुआ चार कार्बन। तो गाइस अब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहां से बन गई चार की रिंग, बन गई चार की रिंग, और यहां भी क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O OCS3, और यहां से आ गया C डबल बॉन्ड O OCS3, यहां से चार की रिंग दूसरी थी, यहां से हो गया C डबल बॉन्ड O OCS3, C डबल बॉन्ड O OCS3 बन गया, यहां देखा आ गया, फील आ रहा है ना, वो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब गाइस क्या है, HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करके गर्म करना है। अब गाइस बताइए, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो ये जो एस्टर है एसिड में क्या होगा, अरे आपको पता है ना, एस्टर को डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर, बॉइल करने पर, उबालने पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, तो CH3OH, 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 चार CH3OH निकल गए, कितने CH3OH निकल गए, चार, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, देखिए फाइनल प्रोडक्ट ये आया, आपका फाइनल प्रोडक्ट गाइस ये आया, यहां से आ गया C डबल बॉन्ड O OH, 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 चार आ गए। आफ्टर दैट देखिए गाइस, आफ्टर दैट क्या होगा, अब आप बताइए क्या एक कार्बन पे दो एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, आंसर है नहीं, और खास तौर पे जब हीट एसिड वैसिड के साथ हीट गिवन है तब तो और भी नहीं, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। आपको पता होगा बीटा कीटो एसिड या मेलोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो ये गाइस क्या करेंगे, अपना कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देंगे, एक CO2 हट जाएगा, तो एक CO2 यहां से, एक यहां से हट गया, कितने हट गए, दो CO2 हट गए। चलिए अब टाइम है फाइनल प्रोडक्ट को ड्रॉ करने का, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, यहां से हो गया COOH, यहां से हो गया COOH, ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्या यही हम ड्रॉ कर रहे थे, देखिए यही तो हमें बनाना था, चार का डब्बा और डब्बे का अब्बा एसिड और इस डब्बे का अब्बा एसिड, तो आपको बात समझ में आ गई, पूरा का पूरा खानदान ही हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर मान लो हम ए लेके चलते हैं, तुम ए के ले, ए लेके चलते ना तो दो कदम चलने के बाद ही गिर जाते, अगर ए लेके चलते तो तुम्हें फील आ जाता कि अरे इसमें कुछ गड़बड़ है, घोटाला है, बी लेके चलते तो आप बोलते यहां तो महा घोटाला है, और सी लेके चलते तो आपको लगता सरकार ही बिक चुकी है, डी लेके चलते तो फिर आपको पता था अरे यार यही तो हम ढूंढ रहे थे, और ई लेके चलते तो आप एलियन मार्स पे पहुंच जाते, तो आप कुछ भी लेके ट्राई करते, एक ही ऐसा केस था जहां पर आपको काम हो सकता था और वो था डी, सो करेक्ट आंसर इज डी। अब गाइस देखो इस सवाल में है तो कुछ नहीं, लेकिन ये उनके लिए कुछ नहीं है जिसको आता है, जिसने पढ़ाई की है, जिसने एडवांस लेवल की पढ़ाई की है, ऐसे ऐसे सवाल मैं अनअकैडमी प्लस पे कराता रहता हूं, ब्रिनांजा 3.0 हमारा एक कोर्स होता है, और अनअकैडमी के जो सबसे ब्रिलियंट और क्रीमी लेयर के बैचेस हैं वो सारे बैचेस मैं खुद पढ़ाता हूं, और ऐसा समझो आईटी जेई का सबसे क्रीमी लेयर हमारे पास अवेलेबल है, और हमने इस सवाल को देख के देखा था, 64% बच्चों ने इस सवाल को करेक्ट किया था, बहुत बड़ा क्राउड होता है 64%, तो अगर आपको शुरू से बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, और मुझे पता है आपने भी किया होगा इसको, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अभी का अभी सारे के सारे बच्चे लाइक करो और कमेंट करके बताओ एफर्ट कैसा लगा, और शेयर जरूर कर दो गाइस, बहुत बहुत बिजी शेड्यूल में आपके पास ये क्लासेस ला रहा हूं, ठीक है गाइस, मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।